हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ द यस्टरडेज लेक्चर। अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। पिछले हफ्ते के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने के लिए, उनको हम दो पार्ट्स में कवर करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। माई नेम इज़ रोहित गर्चा, दिस इज़ अभिमन्यु IAS which has more than 25 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive selections since 1999. Let's begin the lecture and for complete course, watch till the end of the video, jahan pe main aapko detail mein bataunga ki what the master course of current affairs 2024 is all about. Right now, sit attentively, try to understand each and everything. Let's begin. बस चलो आगे। आइए बच्चे, लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, ये इनॉग्रेट हो चुका है जस्ट अहेड ऑफ COP28 जो कि वहीं होने वाली है UAE में, राइट? तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट कर दिया है and which has the potential to power 2 lakh homes, right? और ये single unit है ये एक। तो छोटे मोटे exams के अंदर तो आपको directly पूछ लेंगे वो कि world's largest solar single unit solar power plant ये कहाँ inaugurate हुआ है, और अगर तो पटवारी type का exam है तो वो UAE तक रुक जाएंगे। अगर थोड़ा सा ऊपर का exam है ना, तो वो थोड़ा सा और deep जाएंगे और आपसे ये शहर पूछ लेंगे, जगह पूछ लेंगे, अल दाफरा, राइट? तो आपको, आप तो UPSC वाले हो, आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये प्लांट होते क्या हैं, कितने टाइप इंटीग्रेशन होती कैसे सोलर प्लांट्स की। नॉर्मल घरों के अंदर अगर आप करना चाहो, ये 2 लाख होंगे अगर आप चाह रहे हो, तो व्हाट डज इट मीन कि सोलर पावर प्लांट कितने टाइप के होते हैं, राइट? तो हम उस एंगल में भी जाएंगे। स्टार्टिंग में फैक्चुअल देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। आइए बच्चे, डॉक्यूमेंट में आइए। की पॉइंट्स में देखिए बच्चे, 2 गीगावाट, इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उसको अंडरलाइन हाईलाइट कर लेना। अल दाफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लोकेटेड 35 किलोमीटर फ्रॉम अबू धाबी सिटी एंड विल जनरेट इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑलमोस्ट 2 लाख होम्स। एक्सपेक्टेड टू डिस्प्लेस 2.4 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस एनुअली। और बच्चे ये जो 4 कंपनीज के नाम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हिमाचल वाले इसको देख लें एक बार, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, है ना? उनकी लोकल कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज का कुछ कंसोर्टियम टाइप है, ये हिमाचल में पूछा जा सकता है, उनका नहीं पता लगता। मतलब ये उस प्रोजेक्ट की फोटो नहीं है बाय द वे, वो मेरे को मिल नहीं रही थी, ये कोई और प्रोजेक्ट है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट जो कि UAE में ही है। हाँ, ये लार्जेस्ट नहीं है, इफ़ यू, अगर तुम्हें ये लार्जेस्ट लग रहा है, ये नहीं है, ठीक है जी। हाँ, सेकंड पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 6 पे बचे, जो सेकंड पॉइंट है जो ऑपरेशनल है, करंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लांट इज 1.2 गीगावाट नूर अबू धाबी प्रोजेक्ट, ठीक है, ये वो है विच बिगन ऑपरेशन इन अप्रैल 2019, यानी कि दोनों लार्जेस्ट वहीं पे हैं, और UAE के साथ में हमारे रिलेशन भी ठीक ठाक चल रहे हैं, है ना? तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको आने वाले टाइम में उन कंपनीज को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिख जाए फॉर सोलर पावर प्लांट्स, है ना? क्योंकि उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है काम करने की, राइट? तुम देख ही रहे हो। फोटोवोल्टेक इफेक्ट, फोटोवोल्टेक सेल्स, है ना, ये क्या चीजें होती हैं, ये क्लियर है कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कैसे हो रहे सनलाइट आप पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हो, काम कैसे करता है एक सोलर पावर प्लांट, है ना? तो एक बार ये आप देख लेना, मैं आपको शॉर्ट में चाहो तो मैं आपको वर्किंग लिखवा सकता हूँ एक एक लाइन में, मतलब इफ यू विश लेट मी नो।
लिख लें, आ जाओ लिख लो, फोटोवोल्टिक सोलर सेल्स वर्किंग। फोटोवोल्टिक को पीवी लिख लेना इसके बाद। फोटोवोल्टिक सेल्स आर मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर, कॉमा, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं इसमें से डिवीजन होती है, तो वन लेयर इज नेगेटिव एंड वन लेयर इज पॉजिटिव, ठीक है जी, स्टार्टिंग में। नाउ नेक्स्ट इज कि जब आपकी सोलर लाइट पड़ेगी उसके पास क्या 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 ऑप्शन होते हैं, सोलर क्या क्या मतलब लाइट क्या हो सकती है यहाँ पे आके, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट फोटॉन्स हैव, रिफ्लेक्टेड बैक, डिफ्लेक्टेड है ना, या एब्जॉर्ब्ड है ना, तो हम क्या चाह रहे हैं कि क्या हो। हाँ, नेक्स्ट लिखिए, फोटॉन्स स्ट्राइक द सेल कॉमा गेट्स रिफ्लेक्टेड कॉमा गेट्स रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब्ड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता होना चाहिए कि सारा नहीं आप एब्जॉर्ब कर पाते, तभी हम एक लेयर लगाते हैं इसके ऊपर ना, तभी वी आर सर्चिंग फॉर मटेरियल्स दैट कैन एब्जॉर्ब 100% ऑफ लाइट, डार्केस्ट मटेरियल अवेलेबल क्यों ढूंढ रहे हैं, दिस इज द रीजन कि जितना हम कर रहे हैं मैक्सिमम, क्योंकि इसका भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है, ये इसमें भी आपने लैंड को कवर कर दिया है, यहाँ पे भी आपके वाइल्ड लाइफ और उसका नुकसान होता है, बर्ड्स जो होते हैं उनको ये दूर से मिराज टाइप इफेक्ट देता है, बर्ड्स कंफ्यूज होती है, यहाँ आती हैं कि दूर से दिख रहा है वाटर है, दे फ्लाई एंड वहाँ वाटर नहीं होता एंड दे डाई देयर, राइट, सो देयर आर एनवायरनमेंट इंपैक्ट्स ऑफ दिस आल्सो, कार्बन एमिशन कम होता है इससे, कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर असर पड़ता है मतलब लॉन्ग रन के अंदर, इनिशियली तो इसका भी है राइट, बिकॉज वी हैव टू प्रोड्यूस स्टील लगता है इसके अंदर है ना, इसके अंदर वायरिंग सब मतलब एवरीथिंग प्रोड्यूस कर रहा है कुछ बेसिकली, तो प्रोडक्शन इज अ कार्बन इंटेंसिव प्रोसेस। आइए बच्चे आगे लिखिए, एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स ट्रांसफर देयर एनर्जी, ये बस समझ लेना साथ साथ, एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द नेगेटिव लेयर्स वन एटम्स वन इलेक्ट्रॉन, टू द नेगेटिव लेयर्स वन सेल्स एटम, फिर से apostrophe, वन इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन आएगा वो एक सेल के एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर देगा और उसे इजेक्ट कर देगा, समझ में आया क्या लिखा है। क्या लिखा हमने यार, मैं तो रिफ्रेस कर दूं पूरा, अच्छा, व्हेन फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द फोटोवोल्टिक सेल्स नेगेटिव लेयर देयर एनर्जी, देयर माने फोटॉन्स की, देयर एनर्जी इज कन्वर्टेड ट्रांसफर्ड, देयर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द सेल्स एटम, ठीक है जी, इन वन ऑफ द सेल्स एटम,
फोटोन एनर्जी पैकेट है ना, वो एक ही एटम को आके इफेक्ट करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है और मिलियंस ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, है ना, एक एक करके नहीं कर रहा है वो काम, एक साथ में बहुत सारे हो रहे हैं, राइट। नेगेटिव लेयर, अब यहाँ से ध्यान से समझिए बच्चे, नेगेटिव लेयर के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया हुआ है, एक्स्ट्रा की यही एक्स्ट्रा है, राइट। तो नेगेटिव लेयर से जब आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो कहाँ जाएगा, हाँ, हैंस योर इलेक्ट्रिसिटी, हैंस योर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी। हाँ हाँ वही है, वही है, द इलेक्ट्रॉन फ्लोज, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां से, नाउ इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू द सर्किट, इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू द सर्किट when the two layers are coupled to an external circuit. ठीक है जी, the next statement might increase your confusion, but इस बात को समझना कि जब आपकी फोटोन यहाँ पे आया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि ये सेमी कंडक्टर है, दीज आर नॉट कंडक्टर्स, और ये डिवाइडेड भी हैं, राइट। जितनी ज्यादा एनर्जी आती रहेगी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता रहेगा, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, और जब आप कनेक्ट करोगे तब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जब तक नहीं कनेक्ट कर रहे यहाँ पे पोटेंशियल, जैसे सेल में होता है, सेल पड़ा है तो पड़ा है, नहीं उससे जब तक कुछ कनेक्ट नहीं करोगे तब तक कुछ एनर्जी नहीं फ्लो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट उसके अंदर ऑलरेडी है, सेम इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता रहता है, द मोमेंट यू कनेक्टेड टू द ग्रिड या टू द सर्किट या फॉर एग्जांपल टू अ बल्ब, तब यहाँ पे आपका जो एनर्जी फ्लो है वो होना शुरू हो जाता है, एंड यू यूटिलाइज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक्चुअली एक सेल की तरह ही काम करता है, जो डबल ए ट्रिपल ए बैटरीज होते हैं, एक्चुअली सेम ही है इसका फंडा फिजिक्स वाइज, केमिकली अलग है, ये अलग तरीके से काम करता है, वो अलग तरीके, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कैसे होगा वो डिफरेंस है। और ये एसी देता है या डीसी देता है, ऑल्टरनेटिव करंट या डायरेक्ट करंट, हाँ डायरेक्ट करंट, बैटरी जो बैटरी देती है, जैसे इट्स लाइक अ बैटरी ओनली, बैटरी में भी एक पॉजिटिव नेगेटिव साइड होती है ना, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव साइड है, इसीलिए आपको जब ये हम यूज करते हैं तो आप घर में देखा है इन्वर्टर लगे होते हैं, तो इन्वर्टर क्या इन्वर्ट कर रहा है, यस इट इज इन्वर्टिंग द करंट, क्योंकि बैटरी आपके डायरेक्ट करंट में है, तो हमारे यहाँ पे जो ये वाले स्विचेस होते हैं इनमें ऑल्टरनेट करंट्स हैं, कभी देखा होगा आपने कि 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है, 50 हर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में 50 बार ही अपनी पोलैरिटी शिफ्ट करते हैं, राइट। जैसे इसमें तो फिक्स है ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइड है, आपके इन स्विचेस में फिक्स नहीं होता, इसमें एक सेकंड में 50 बार वो नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा होता है, राइट, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव करंट। अगर नहीं करेंगे हम, अब क्यों हमने ऑल्टरनेट पे आए हैं हम, इज द रीजन बिकॉज कि अगर भाखड़ा डैम से सौरा डैम जितनी एनर्जी बना रहा है ना, तो अगर उसकी अब तार, अगर वो डायरेक्ट डीसी में बनाए, तो अगर उसकी तार खींचो दिल्ली में, तो यू कैन नॉट ऑपरेट अ मिक्सर ग्राइंडर, सारा लॉस हो जाएगा रास्ते में, हीट में लॉस हो जाएगा, ट्रैवल होती है ना एनर्जी, तो हीट में लॉस हो जाएगा, लखनऊ तक जाओगे वहाँ बल्ब भी नहीं जलेगा एक आपका, पूरे भाखड़ा डैम की सारी एनर्जी, सो वी नीड ऑल्टरनेटिंग करंट्स कि एनर्जी लॉस नहीं होता है, आप पोलैरिटी चेंज करते रहते हो उसकी बार बार, एक सेकंड में 50 बार, 50 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में 50 बार, राइट। सो दैट इज व्हाई वी नीड इन्वर्टर्स, तभी इसको जब हम मेन ग्रिड से कनेक्ट करने की बात करते हैं सोलर एनर्जी को, वी नीड एन इन्वर्टर वहाँ पे, वी नीड अ बैटरी सेट और कन्वर्ट करने के लिए, राइट। क्योंकि ग्रिड अभी किसी और चीज़ पे चल रही है, ग्रिड आपकी एसी पे चल रही है, ये आपका डीसी प्रोड्यूस कर रहा है, यू नीड अ डिवाइस। आपका फ़ोन का जो चार्जर होता है वो भी यही काम करता है, आपके फ़ोन में बैटरीज होती हैं, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी चाहिए, लेकिन प्लग के अंदर आपका एसी है, राइट। सो वी नीड अ ब्रिक, ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर, वी नीड अ ब्रिक, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आपके फ़ोन को चार्ज किया जाता है, फ़ोन से ज़्यादा जल्दी समझोगे, है ना। तो सेम आपका उल्टा फंडा, अगर आपको अपने फ़ोन से या फिर बड़ा फ़ोन यानी कि बड़ी बैटरी यानी कि आपका पूरा सेल, उससे अगर आपको ग्रिड में जाना है तो अगेन यू नीड अ कन्वर्टर, तो आपको बाई डायरेक्शन कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। तो ये है आपका फोटोवोल्टिक सेल, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोवोल्टिक सेल।
आइए बच्चे, हाँ इसमें हमने देख लिया और हाँ ये कंप्लीट हो गया। लेट्स राइट, अब एक एक बार बस वो लिख लो आप, प्लांट्स के टाइप, फोटोवोल्टिक पीवी प्लांट्स टाइप। अब वो कहानी समझ में आ गई, अब बस उसको स्ट्रक्चर में डालना है। जैसे कुछ के आंसर्स में कहानी क्लियर होती है, स्ट्रक्चर मिसिंग है। मिल गया क्या आंसर आपको? हाँ ठीक है, तभी हंस रहे हो। कहानी ठीक है, ऑलमोस्ट सबकी कहानी ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। वही कहानी बतानी है, वही बात बतानी है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड, कि जो पूछ उसको लगना, उसको इल्यूजन दे दो एग्जामिनर को कि जो तूने पूछा है मैंने वही बताया है, एक अच्छे तरीके से। सबकी कहानी सेम है, आप कोई नया पॉइंट स्टबल बर्निंग के अंदर आप क्या ही नया पॉइंट बना लोगे यार, सोच के देखो क्या ही है मतलब, अदर देन एक दो पॉइंट। जैसे वो गुड पेस्ट वाली बात थी, किसी एक ने, आप ही में से किसी ने लिखा था, उसके बाद ही मेरे को पता लगा था कि गुड पेस्ट नाम की चीज को एंगल से भी इसको देखा जा सकता है। हाउएवर हमने प्रॉब्लम्स पूछी थी, है ना, तो उससे इस एंगल पे जाना मतलब इट वाज अ गुड थिंग। किसने लिखा था गुड पेस्ट? हाँ, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो स्ट्रक्चर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेटर तरीके से आप बनाओगे तो अच्छा रहेगा। आइए बच्चे, टाइप्स, नंबर वन ऑफ ग्रिड सिस्टम्स। ग्रिड समझते हो, जो डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की ग्रिड होती है, खंबा बिजली का मेन, जहां से वो गांव वाले कुंडी पाते हैं ना, कुंडी, हाँ वो वाला खंबा ग्रिड। आइए, द सिस्टम इज डीकपल्ड फ्रॉम द यूटिलिटी ग्रिड्स। यूटिलिटी ग्रिड्स के ब्रैकेट में लिख लेना डिस्कॉम। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? सिंपल है। एंड सेव्स ऑल एक्सेस एनर्जी इन बैटरी बैंक्स। ठीक है, ये आपका प्लांट है जो आपने लगाया, दिस इज योर बैटरी एंड दिस इज योर कुटिया जहाँ पे आप लोग रहते हो। तो ये डायरेक्टली ये इसका मेन ग्रिड से कोई कोई लेना देना नहीं है, वो जो आईफिल टावर नहीं होते देखे वो, हाँ ये उससे कनेक्टेड नहीं है। आगे देख, आगे लिखिए, ऑन ग्रिड, ऑन ग्रिड सिस्टम्स रिसीव रेगुलर पावर फ्रॉम द यूटिलिटी ग्रिड। ठीक है, इस एक्सेस एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू द ग्रिड्स। इसमें यहाँ पे आपका नेट मीटरिंग का बॉक्स रहता है, ये आपके यूटिलिटी ग्रिड से आया, ये आपका इससे आया, है ना, जहाँ अगर एक्सेस एनर्जी है तो ये ग्रिड में चला जाएगा, है ना। पर बैटरी सिस्टम नहीं होता इसमें, ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर वी डू नॉट हैव अ बैटरी, राइट। तो दिन में तो जब तक तो सन शाइनिंग है, राइट, है ना, टंग ट्विस्टर हो गया, तब तक तो ठीक है, राइट, तब तक तो आप एक्सेस एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहे हो और ग्रिड में भी भेज रहे हो, नेट मीटरिंग है तो पैसा मिल रहा है, नहीं है तो फ्री में जा रही है उधर, राइट, आपका खर्चा बस कम हो रहा है। तो इसमें बैटरी सिस्टम लिख लो यहाँ पे साइड पे, नो बैटरी। ये भी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड कन्फ्यूजन होती है इसमें। लास्ट वन इज हाइब्रिड सिस्टम, मतलब रात को आपको ग्रिड से खींचना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर तो ग्लोबल ग्रिड बन पा रही है कि देर इज सन शाइनिंग इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल द टाइम एंड वी हैव अ ग्लोबल ग्रिड, तो ये सिस्टम ठीक है, तो आपको बैटरी नहीं चाहिए, तो आपको लिथियम एक्सट्रैक्शन नहीं करनी है ना। बैटरी में भी तो लिथियम कैडमियम और ये सारे एलिमेंट्स लगते हैं, क्रूशियल, क्या बोलते हैं इनको,
बता दो यार प्लीज, ऐसे मत करो. आर ई ई, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, राइट? तो आपको वो एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ वी हैव अ ग्लोबल ग्रिड. बट बिकॉज वी डू नॉट हैव अ ग्लोबल ग्रिड, और इंडिया में एक समय पे पूरे इंडिया पे अंधेरा होता है, राइट? तो हमको हाइब्रिड सिस्टम लगाना पड़ता है. वी नीड बैटरीज फॉर दैट. लास्ट वन इज हाइब्रिड. हाइब्रिड किसका? ऑफ ऑन, हाइब्रिड ऑफ ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सिस्टम्स. तो यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा विच इज योर बैटरी. सिस्टम हैज अ बैटरी बैकअप, बस एज सिंपल एज दैट. ठीक है जी. चले आगे. ठंडी ठंडी सांसें आने लगी हैं क्लास से. बोर हो रहे हो? अब हो रहे हो तो बता दो. नहीं तेरे को नहीं बोला यार. और भी लोग सांस ले रहे हैं. अगर बोर हो रहे हो तो मेरे को बता दो, हम एक कोई और टॉपिक पे जा सकते हैं, अदरवाइज इस पे जा सकते हैं. वो डिस्कशन बेस्ड होगा, थोड़ा सा आपका दिमाग चलेगा उसमें. बताओ बताओ, जल्दी बता दो, नहीं तो इस पे चलते हैं. ये भी ठीक ठाक ही है वैसे. ठीक करा दे. ओ टू लेजी टू डिस्कस एज वेल. हाँ अरे यार, एक पंजाबी में कहावत है ना, वो जिन्ने चले, क्या वो जिन्ने चले साढ़े पल्ले. हाँ, मेरे को कभी समझ नहीं आई थी वो कि क्या है उसका मतलब. फिर आज मैंने अपना पल्ला देखा. आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट कर लेते हैं फिर. अगेन ये आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे रखने की सोच रहा था कि ठंडी सांसें रुक जाएं तो ठीक रहे. नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ, अब तो ठीक हो गया. दो जोक की मार होते हो तुम लोग. आ जाओ. सीबीजी ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन विच इज कॉम्प्रेस्ड बायोगैस. तो सरकार ने इसके टारगेट सेट कर दिए. 2025 तक वॉलेंट्री टारगेट है ना, कि अपने 1% कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को आपकी सीएनजी और पीएनजी और आपकी एलपीजी के अंदर इंट्रोड्यूस करना है वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर. उसके बाद में 2025 के बाद से कंपलसरी हो जाएगा. अभी तक क्या क्या कंपलसरी हुआ है ब्लेंडिंग के तौर पे अगर बात करें तो? हाँ, इथेनॉल ब्लेंडिंग, E10 E20 के टारगेट्स आए थे. ये नेक्स्ट स्टेप है उसमें, राइट? इसको सीबीओ कहा जाता है. आइए बच्चे देखते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन. तो ऑब्वियसली ये 2070 के टारगेट के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा. वैसे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको उसके, जब भी सस्टेनेबिलिटी की बात होगी एनवायरनमेंट में, सरकार कुछ भी करेगी, आपको इसका एंगल जरूर देखने को मिलेगा उसमें. इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. उसकी एक सब बॉडी है विच इज कॉल्ड CRB, सेंट्रल रिपोजिटरी बॉडी, राइट? वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी. वो ये मिनिस्ट्री ध्यान से रखना, ये तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या वो रीन्यूएबल वाली मिनिस्ट्री नहीं है. इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का. कंपल्सरी ब्लेंडिंग, फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चे, कंपल्सरी ब्लेंडिंग ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट इन नेचुरल गैस टू कट रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स. क्या है टारगेट्स? इज दैट 1% ऑफ बायोगैस विल बी ब्लेंडेड इन गैस यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड हाउसहोल्ड किचन. ये इनिशियली की बात हो रही है, बाद में जब हम इसको इसकी एक्सटेंशन करेंगे और बढ़ाएंगे आगे तो ये पीएनजी के अराउंड भी जाएगी, पाइप्ड नेचुरल गैस, राइट? जो इंडस्ट्रीज में जाती है. दिल्ली विल्ली को इसी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो,
कि दिल्ली में जो इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं दिल्ली के अराउंड एनसीआर रीजन बेसिकली जो 22 आपके जिले पड़ते हैं राइट उसके अराउंड जितने भी करते हैं वो पीएनजी के अंदर कन्वर्ट करने की बात हो रही है उनको, तो वहाँ पे भी आपको ये ब्लेंडिंग देखने को मिलेगी आगे जाके। फिलहाल के लिए इट इज ऑटोमोबाइल्स एंड आपका हाउस होल्ड किचन फ्रॉम अप्रैल 2025। बच्चे इसी में ना पेज नंबर 7 पे लास्ट पॉइंट देखिए आप, सीबीओ विल बी वॉलंटरी टिल 2024-25। ये आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चे सारे एग्जाम्स में, एचसीएस पीसीएस यूपीएससी हिमाचल पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। ब्लेंडिंग एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26 है ना, हेंस अप्रैल 25। क्या रहेगा उसके बाद का टारगेट इज 1%, 3%, 4% ऑफ 25-26 and 27 रिस्पेक्टिवली, और उसके बाद में 28-29 से 5%। और अगर जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग में हमने टारगेट पहले अचीव कर लिया था है ना, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एक नए टारगेट के साथ में प्रीपोन कर दिया, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए है ना तो वी कैन मूव फॉरवर्ड एट अ क्विकर पेस। प्लस आपको आने वाले टाइम में थोड़ी स्कीम्स देखने को मिलेंगे कि बायोगैस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपके लेवल पे क्या काम रहेगा आपका, इज दैट कि बायोगैस प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं राइट वो बलून बेस्ड होता है, मतलब 3-4 टाइप के बायोगैस प्लांट्स होते हैं राइट, तो वो आप देख लेना कि स्मॉल स्केल पे कैसे बनती है, लार्ज स्केल पे कैसे बनती है। एक चीज़ जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लगी थी वो मैं आपको बच्चे अभी करवा देता हूँ, दैट इज 4 प्रोसेसेस जो बायोगैस में सब्सिक्वेंटली यूज होती हैं। क्या 4 प्रोसेस हैं? हेडिंग डाल लीजिए 4 स्टेजेस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। ये कॉमन है, ये सब में कॉमन है, किसी भी टाइप का प्लांट हो ये 4 प्रोसेस इसी लाइन में आएगा। तो क्वेश्चन समझ रहे हो कि प्रोसेस भी 4 हैं तो वो आपको लगाने को दे सकते हैं है ना, इन ऑर्डर। नंबर 1 हाइड्रोलिसिस, इसके आगे एक लाइन लिख लीजिए सर्टेन बैक्टीरिया ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जैसे बायो वेस्ट में क्या ऑर्गेनिक पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट्स टाइप लिख लो ब्रैकेट में लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। इंटू सिंपल शुगर्स, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा सिंपल वे में तोड़ने है ना। पहला प्रोसेस हो गया हाइड्रोलिसिस, सेकंड लिखिए बच्चे एसिडोजेनेसिस, ACIDOGENESIS। एसिडोजेनिक बैक्टीरिया कन्वर्ट्स सिंपल शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स एसिडोजेनिक बैक्टीरिया कन्वर्ट्स सिंपल शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स इंटू कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन अमोनिया एंड ऑर्गेनिक एसिड्स।
नेक्स्ट इज एसेटोजेनेसिस, ए सी ई टी ओ जेनेसिस, ए सी ई टी ओ जेनेसिस। एसिटोजेनिक बैक्टीरिया, कन्वर्ट द ऑर्गेनिक एसिड्स इंटू एसिटोजेनेसिस, तो एसिटिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, लास्ट इज मिथेनोजेनेसिस। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, कॉल्ड मिथेनोजेंस, एम ई टी एच ए एन ओ जी ई एन एस, मिथेनोजेंस। Convert the intermediate products into biogas. Biogas is primarily कौन सी क्या चीज होती है उसमें? मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्रीसीडिंग स्टेजेस इनटू बायोगैस, ब्रैकेट में लिख लो प्राइमरीली मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो इसका लेफ्ट ओवर होता है उसको सम मतलब इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। इसके बाद में भी देयर इज अ लेफ्ट ओवर है ना, व्हिच कंटेन्स डेड बैक्टीरिया, वो भी ऑर्गेनिक मैटर ही होता है आपका, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ, ये चार चीजें याद रखना आप इसी इसी लाइन के अंदर है ना, तो आपको मतलब आई हैव अ हंच, अ गट फीलिंग कि इसके ऊपर सवाल बन सकता है कि चार ऑप्शन आए हैं, इनको वो लाइन में लगाने को दे सकते हैं। और HCS के अंदर खासकर इसके अंदर आ सकते हैं कि हरियाणा सरकार इसके ऊपर काम भी बहुत कर रही है, बायोगैस के ऊपर उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मतलब सिर्फ डिस्कशन कर लो मेरे साथ, मुझे बस ये बता दो कि इस ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन से होगा क्या, फायदा क्या है, व्हाई आर वी डूइंग इट? ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट के एंगल से बोल रहे हो आप? हाँ, कि और सेल्फ सफिशिएंसी इन हाँ, इंपोर्ट की बात कर रहे हो वैसे हम? तो सेल्फ मतलब सेल्फ सफिशिएंसी उस एंगल पे नहीं आएगा बच्चे यहाँ पे। जब हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं मतलब ये है कि मेरे को जरूरत है और मैं खुद पूरी करूँगा। सेल्फ सफिशिएंसी इज दैट, उसका मतलब ये है। बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हो आप, थोड़ा नीचे आ जाओ, वापस आ जाओ सरफेस से, बताओ क्या होगा। हम अपने फ्यूल को सस्टेनेबल बना रहे हैं और बनाने के लिए घर पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा उसे, इफेक्ट क्या क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, मतलब बेसिकली हमारे यहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन को थोड़ा सा इम्पिटस मिलेगा, एक पुश मिलेगा, है ना? यहाँ पे आपको कंपनीज खुलती हुई दिखेंगी अभी आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड। और
इम्पोर्ट्स तो मैंने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, इम्पोर्ट्स कम होंगे, इम्पोर्ट्स कम होंगे तो क्या होगा, फॉरेक्स, फॉरेक्स बचेगा हमारा, और हाँ परफेक्ट, एक अगर टर्म कोई दे देना इस चीज के लिए, वो बोल रहे हैं इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, 100% करेक्ट पॉइंट, एक टर्म है खासकर हम बहुत बारी कर चुके क्लास में, एक टाइप ऑफ इकोनॉमी कहते हैं इसको, सर्कुलर इकोनॉमी, परफेक्ट। तो ये उससे हासिल होगा सर्कुलर इकोनॉमी, कि आपकी इकोनॉमी को अब नेचर पे ज्यादा डिपेंड, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, वहीं आप रिसाइकल रीयूज और उस इकोनॉमी सर्कुलर होगी बेसिकली, तो उसमें ये करेगा, वेरी गुड। किस चीज ने कैसे, हाँ सही है, अगर इसको हम ढंग से बोलना चाहें ना, ये बोल रहे हैं कि विलेज लेवल, रूरल लेवल के ऊपर इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। अब आंसर में अगर हम ये चीज लिखेंगे ठीक है ना, कि इफेक्ट देखने को मिलेगा, एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होगा, क्यों, क्या लिखेंगे वो इंप्रेस हो जाए हम इस वो हम पहले कर चुके हैं, नेट जीरो इमिशन, सर्कुलर इकोनॉमी, वहां डन हो गया, इन्होंने बोला रूरल एरिया में फायदा होगा, कैसे होगा फायदा, वहां आएंगी, अच्छा 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 कि अब उनको उज्जवल उज्जवला स्कीम लेने की जरूरत नहीं है, अपनी बायोगैस प्रोड्यूस करो, अपना खुद से खाना बना लो, सही है, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, ऑर्गेनिक वेस्ट अगर आपको चाहिए, आपकी जो ये स्टबल बर्निंग वाली प्रॉब्लम है ना, तो आपकी इसके बाद में आपकी इन्वेस्ट बायोगैस चाहिए और उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, राइट, तो आपकी इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्होंने जो प्रोजेक्शन दी है, गवर्नमेंट ने जब नोटिफिकेशन निकाली थी तो उन्होंने जो प्रोजेक्शन दी है, दैट इज 37,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी आपकी टिल 2025-26 बिकॉज ऑफ दिस, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, तो वो आपका पॉइंट यहाँ पे रिलेट हो सकता है कि वो मोस्टली आपका रूरल एरिया में जाएगा जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, हालांकि म्यूनिसिपल वेस्ट इज द मेन, म्यूनिसिपल और एग्रीकल्चर वेस्ट बराबर है, थोड़ा फैक्ट चेक करना पड़ेगा इसको, ठीक है जी, लिखने की जरूरत तो नहीं है कि लिख लिया साथ साथ, बेनिफिट्स लिख लो फिर साइड पे। हाँ एक ऑनलाइन आया है मीटिंग SDGs, इस टाइप के पॉइंट्स बहुत सेफ होते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा ऑलरेडी है, उसको मीट करने के लिए ये हेल्प करेगा, और ज्यादा पॉइंट्स अब तो आप कमा सकते हैं जब आप SDG नंबर बता दो यहाँ पे कि SDG कौन सा गोल है ना, मुझे तो नहीं लगता कि ये लाइफ अंडर वाटर हेल्प करेगा डायरेक्टली है ना, तो SDGs वो याद कर लो, वो 17 गोल्स रट लो। जैसे मतलब आपको ना आउट ऑफ नोवेयर आपके 10वीं का रोल नंबर याद होगा या 12वीं का, कोई काम नहीं है उसका, मतलब ऐसी है दिमाग में है ना, 37 रोल नंबर, इतना रोल नंबर था जी, वैसे ही 17 ये याद कर लो कि 17 गोल मोटे मोटे कहते क्या है, ऊपर ऊपर से एक बार याद कर लो कि उसका इनएविटेबली गोल आ ही जाता है कहीं ना कहीं, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ ही लेते हैं, आजकल एक नए टाइप का क्वेश्चन चल रहा है मार्केट में उतरा हुआ है कि ये पर्टिकुलर स्कीम कितने गोल्स को एस्टैब्लिश करती है, कितने गोल्स को फुलफिल करती है, 17 में से 3 को कर रही है, 4 को कर रही है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स पड़ते हैं वो थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने, मोस्टली तो छोड़ने ही होते हैं वो अगर नहीं पता, पर अगर पता है तो वो फिर इजी में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, तो 17 याद कर लो आप, है किसी को 17 के 17 याद, एनीवन हु वांट्स टू कंफर्म कि SDG 13 क्या है, नहीं 2024 वाले ही बैठे ना इधर अटेम्प्ट के, नहीं नहीं मेरे से कंफर्म मत करो, मुझे करो कि मेरा अटेम्प्ट नहीं है, मैं भूल चुका हूँ, मैं तुम्हें स्लाइड ला के दिखा सकता हूँ कि ये 17 है और कैसे याद करने हैं, मेरे को याद नहीं है बच्चे, देखना यार कोई ऑनलाइन एक बारी SDG 13 क्या है, क्लाइमेट एक्शन पूरा क्या स्टेटमेंट रहेगी, अच्छा अच्छा जी हाँ SDG 13 में तो जाएगा फिर, ये क्लाइमेट एक्शन तो है ही है, क्लीन एयर में जाएगा, सस्टेनेबल एनर्जी में जाएगा, ये चलिए चलें आगे,
आ जाओ जी, नेक्स्ट टॉपिक। एम्पलीफाइड, हाँ जी, बेनिफिट्स लिख लो। बेनिफिट्स मतलब बेसिकली बेनिफिट्स भी नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव्स टाइप ज्यादा है कि क्या हम करना चाह रहे हैं इससे। नंबर वन ये देखना, अगर किसी चीज से डिसएग्री कर रहे हो तो मेरे को बता देना। स्टिमुलेट डिमांड फॉर सीबीजी, दिस इज हाउ वी राइट पॉइंट्स। स्टिमुलेट डिमांड फॉर सीबीजी, सेकंड इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ऑफ एलएनजी, ब्रैकेट में किसकी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ वो मर्चेंट नेवी नहीं होते, तो मर्चेंट नेवी में ये एलएनजी लेके आते हैं, वो इधर आबू धाबी से इंडिया कोची या कहीं उतरता है वो आके। तो ही वाज टेलिंग मी कि उनकी ना द मोमेंट दे सी द टैंकर टिल द मोमेंट दे अगेन सी द टैंकर फ्रॉम आउटसाइड, उनकी जान ही सूखी रहती है पूरा टाइम, बिकॉज पूरा टैंकर है वो चल रहा है और वो क्रीक कर रहा है पूरा, अंदर से साउंड्स आ रही हैं उसके, एंड यू नो दैट इसके अंदर एलएनजी भरा हुआ है पूरा, द वन दैट यू यूज इन योर लाइटर्स एंड ऑल ना, दैट वन, दैट एग्जैक्ट दैट थिंग सेम उसमें। तो वो पूरा टाइम यू कैन नॉट, मतलब यू कैन नॉट डू एनीथिंग वहाँ पे, और ऑलवेज वहाँ पे हर तीसरे चौथे घंटे वो फायर ड्रिल्स करते रहते हैं कि अगर लग गई तो करना क्या है, बट दे ऑल नो कि अगर लग गई तो फिर देर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल, राइट। हैजार्डियस जॉब है, राइट। ऐसी बस याद आ गया एलएनजी सुन के ना, वो उसके उसकी चेहरा याद आता है मुझे जब वो ये वाली कहानियाँ सुना रहा होता है कि कैप्टन ने बोल दिया कि वो पीछे से लीकेज हो रही है, तो वो डेक पे है एंड ही हैज टू ट्रैवल 400 मीटर्स अंधेरे में रात को, है ना, इनसाइड अ क्रीकी शिप जिसके अंदर माइग्रेंट्स वगैरह भी छुपे होते हैं, है ना, एंड दे आर नॉट हेजिटेंट टू किल यू, वो छुपे हुए हैं अंदर बस फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, की जब किसी ऐसे देश में रुकेगी तो वहाँ जाके उतर जाएंगे वो, राइट, एंड ही हैज टू गो एंड चेक। तो इस टाइप की स्टोरीज हैं एंड मैं उसको मतलब बहुत ऐसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में सुन रहा होता हूँ सारी कहानियाँ। आइए बच्चे आगे लिखते हैं, कॉमा सेव, नेक्स्ट इज सेविंग फॉरेक्स, वैसे ही उसी का पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, सेविंग फॉरेक्स, प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी, असिस्टेंस इन नेट जीरो टारगेट, असिस्टेंस इन नेट जीरो टारगेट। नेक्स्ट इज, बस लास्ट लिख लीजिए, एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट, अभी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट कहाँ जा रहा है, लैंडफिल्स में, हाँ, तो आप उसको वापस से उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, सर्कुलर इकोनॉमी, तो आप कॉन्सेप्ट तो बताइए ना, हाँ कि कि अगर आपके आपकी प्रोडक्शन आपके लैंडफिल में नहीं जा रही तो वी कैन से दैट आपकी इकोनॉमी सर्कुलर है, हाँ, बस उसी सेंस में ये लैंडफिल्स के साथ में, क्योंकि अलग प्रॉब्लम एसोसिएटेड है ना, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लीकिंग ब्लैक वाटर फ्रॉम लैंडफिल्स, कि वी डोंट नो कि वो वाटर कहाँ से आता है, बट ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी लैंडफिल होती है वहाँ पे ना एक ब्लैक वाटर का नाला बन जाता है, विच इज़ हाईली टॉक्सिक इन नेचर, वहाँ पे
VOC बहुत ज्यादा है उसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है, राइट, उसकी BOD हद से ज्यादा है, उसको क्लीन भी नहीं किया जा सकता. सो ये कंसर्न है, राइट. तो इस टाइप के कंसर्न्स दूर होंगे आपके. ये लैंडफिल, मतलब लैंडफिल के ऊपर भी शायद क्वेश्चंस आ चुके हैं 2018-19 में आ चुके हैं, तो वो इन्हीं टॉपिक से स्प्रिंग अप होते हैं वो टॉपिक्स, दूसरे वाले. ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. आइए बच्चे नेक्स्ट आ जाते हैं. एम्पलीफाइड 2.0, ये ऐसा लग रहा है ना इमरान खान ने नई एल्बम निकाल दी है. एम्पलीफाइड 2.0 ये एक पोर्टल है, अगेन सेम इसका सेम फंडा कि डेटा को पब्लिक कर दो रिसर्चर्स के लिए, और रिसर्चर्स कोई ना कोई आइडिया बता देंगे. PhD वालों से कुछ तो करवाना है ना. तो सेम फंडा है इसका भी, कि कुछ नहीं है, ये पोर्टल ऐसा है जो कि आपके रॉ डेटा को डिस्प्ले पे लगा देता है, बस एज सिंपल एज दैट. आप लोगों ने मेन चीजें क्या याद रखनी है. कौन सी मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है बच्चे. Aims to provide data on Indian cities via dedicated portal with the goal of enabling data-driven policy making for urban development across India. हमने पहले भी, I think हमने last time ये line लिखी थी, मैंने यहाँ mention कर दी है इसके अंदर, that by 2030 India is, ये बच्चे third point the need में. उससे पहले first point में ना making raw data को underline कर लो. From Indian cities available on a single platform for academics, रिसर्चर्स एंड स्टेक होल्डर्स. अब स्टेक होल्डर्स एक ब्रॉड टर्म है. एक शहर में कौन नहीं है स्टेक होल्डर, जो रह रहे हैं वो भी है, जो काम कर रहे हैं वो भी है, पॉलिसी मेकर भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट सारे हैं. नहीं तो बेसिकली आम जनता के लिए स्टेक होल्डर का मतलब यहाँ पे यही है, सबके लिए ओपन है. टू हेल्प डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग. थर्ड पॉइंट देखेंगे बच्चे, अगर आप प्रोजेक्टेड टू हैव 60 करोड़, यानी कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज, है ना, as compared to 31% in 2011, और 63% GDP शहरों से आ रही है, which is set to increase to 75% by 2030. Hence हमें अपने शहरों के डेटा को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ताकि हम सस्टेनेबल तरीके से, बढ़िया तरीके से, प्रूडेंट तरीके से काम कर सकें आगे. शहरों के डेटा को आम करने के लिए हमने बहुत सारे पोर्टल पढ़ लिए रिसेंटली, अगर आपको याद हो. कोई इसके अलावा कोई एक नाम और बता दो मेरे को, जिसमें हम सिटीज के डेटा की बात कर रहे थे, कोई एक. बोलो कोई, बहुत सारे हैं, एक बता दो कोई भी. हमने अभी रिसेंटली करे हैं ये, लास्ट क्लास में, उससे लास्ट क्लास में, स्मार्ट सिटीज वाले में भी हैं. हाँ, कि नाम क्या है उसका, एक 30 सेकेंड्स और दिमाग पे जोर डालो, नाम बता दो कोई एक. ऐसा होगा वहां पे प्री में, पढ़ी हुई चीजें जब भूलते, पढ़ा हुआ है क्लास में, पढ़ा हुआ है, और मतलब यू नो, आई रियली डोंट केयर कि तुम लोग आंसर दोगे या नहीं, पर आई रियली केयर कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि चीजें भूली कैसे जाती हैं. और एग्जाम में भी यही होगा, आपके आंखों के सामने से आपका साल रेत की तरह फिसल जाएगा, जितनी मेहनत करी है ना ये क्लास में, 3-3 घंटे लगा के वेस्ट हो जाएगा. कोई भी नाम नहीं याद आ रहा, एक भी नहीं आ रहा, हमने 3 करे हैं. आ जाओ फिर उसमें वापस आ जाओ, आ जाओ नया डाटा इकट्ठा करते हैं, इसको भूलना भी तो है फिर. आसान थोड़ी है. तुम लोग ना मेरे को वो लगते हो, एक ना मंडाला आर्ट होती है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स करते हैं, है ना, तिब्बत, जो तिब्बती बुद्धिज्म वाले हैं वो उसको करते हैं ना, रेत के ऊपर इंट्रिकेट डिजाइंस बनाते हैं वो, जस्ट ताकि वो उसको हफ्ते बाद मिटा सकें, अपने हाथ से पूरा हफ्ता बनाते हैं, और फिर एक वो उनको सबर और शुक्र सिखाता है. आप लोग भी सेम ही हो, मॉन्क्स ही हो आप भी, आप लोग भी सारा ऐसे मतलब बहुत प्यार से डेटा इकट्ठा करते हो, सब कुछ बनाते हो, और फिर हाथ फेर देते हो ऊपर. सो इट्स अ गुड थिंग, मेरे को पता नहीं था. कौन सा बुद्धिज्म करें इसको हम, अभी मन्यु यान कर दें इधर, एक नया बुद्धिज्म फाउंडेड बाय दिस बैच. थोड़ी सी तो शर्म आ रही होगी कि नहीं,
यार आप मेरे से मत कंफर्म करो यार. उसका नाम, हाँ नाम है उसके, प्रॉपर नाम है उसके. भूल जाओगे वहां पे क्योंकि ऑप्शन में चार आएंगे और आपने चारों सुन रखे होंगे और चारों में से कहीं कहीं रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा. ज्यादा नहीं मतलब थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए और उसको एज अ फ्यूल यूज करना. मतलब ऐसे कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं है. भूलना इज ओके, इट्स एक्चुअली ओके, बट इससे लेसन ले लो यार, मत करो. रिवीजन को ना थोड़ा ऑन पॉइंट रखो, अदरवाइज कोई मतलब आपको करंट अफेयर प्रिसाइज करके देने का क्या फायदा है. ताकि हमें आपको कम पढ़ना पड़े और इफेक्टिव तरीके से हम पढ़े आपको. आपको न्यूज़पेपर क्यों साइड पर रखवाया हुआ है? हाँ अभी मोमोज खाओ जाके तुम बाहर उस टाइम बचे हुए टाइम में. रिवाइज करते हैं ठीक है. अभी तक क्या टारगेट चल रहा है रिवीजन का? हाँ थैंक यू बच्चे कोमल, आपने मेरे को थोड़ा सा खुश कर दिया. लास्ट क्लास में आईना डैशबोर्ड पढ़ा है हमने, है ना? एक हाँ आईना ने आईना दिया. तुम्हारे वाला टूटा हुआ है आईना, मैं बता रहा हूँ. तुम्हारे वाला आईना नहीं है, उसमें फोटो फ्रेम है जिसके अंदर तुमने अपने आपको वर्दी पहने हुए देख लिया. तुम वो नहीं देख रहे जो तुम हो, तुम वो देख रहे हो जो तुम बनना चाह रहे हो. फेक बुद्धिस्ट कहीं के ना हो तो. वॉट इज, पकड़ो पहले आईने को, आईना रहने दो. थैंक यू बच्चे कोमल, अगर आपने चीटिंग करी है तो अच्छी बात नहीं है, अगर खुद से बताया तो वेरी गुड. आइए जी, एम्पलीफाई 2.2 पोर्टल, ये भी सेम ही काम करेगा बच्चे. अगर हमने शहर को सस्टेनेबल बनाना है या शहर का कोई डेटा देना है, वो क्या डेटा होना चाहिए कि हम शहर को किस तरीके से करें, वो मेरे को इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा था बच्चे. वो देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ उसके में. मतलब कि इस डैशबोर्ड के ऊपर जो कि 4000 ULB का डेटा यहाँ पे आएगा. टाइप्स ऑफ डेटा एग्जाम्पल्स, नंबर वन ये रिलेट करके देखना कि ये डेटा से होगा क्या. नंबर वन टोटल डीजल कंजम्पशन, ये आपके एथिक्स के पेपर में भी काम आएगा ये पर्टिकुलर तरीका, ये पर्टिकुलर चीज. इन अ वे कि हमको अगर किसी चीज को सॉल्व करना है तो हम किस डिटेल में जाके हमने सॉल्व करना होता है, खासकर एथिक्स के पेपर में. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सैंपल्स टेस्टेड फॉर वाटर क्वालिटी, नंबर ऑफ सैंपल्स टेस्टेड फॉर वाटर क्वालिटी. ठीक है बच्चे कोमल, अपने ऐसे ही करना है. उन्होंने रिवाइज किया था भाई, ठीक है तो तुम लोग भी रिवाइज कर लो. हमको तीन रिवीजन देनी है हर एक नोट की, है ना? जिसकी पहली चल रही है इन दिनों और जैन तक आते आते खत्म हो जाएगी ये वाली रिवीजन, अगर तुमने शुरू करी तो. ठीक है, उसके बाद में हम जैन से वेब दूसरी करेंगे, उसके बाद में तीसरी करेंगे और फिर फाइनल पेपर है जस्ट पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दोबारा करेंगे, ताकि आपका करंट अफेयर्स वाला छूटे ना. जो हमने प्लान स्टार्टिंग में किया था ना कि 17 to 18, 20 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से आते हैं, तो ऐसे आए वो वाले क्वेश्चन कि अगर आपको आते हैं तो आते हैं, आपको नहीं आते तो ऑल ओवर इंडिया किसी को नहीं आते. तो उस हिसाब से तैयारी चल रही है जी ये, उसमें ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि एडमिट कार्ड पे आपकी एंट्री है जी और आपकी ही फोटो लगेगी, आप ही ने पेपर लिखना है जाके, आपकी रिविजन इसलिए ज़रूरी है. क्या लिखा है बच्चे लास्ट में हमने? नंबर ऑफ सैंपल टेस्टेड, सैंपल्स टेस्टेड फॉर वाटर क्वालिटी. नेक्स्ट इज एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर. टोटल नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन स्लम्स. इस टाइप का डेटा जाएगा वहां पे. तो ये डेटा है जो किसी रिसर्च में जाके काम आएगा. आइए बच्चे अबाउट द पोर्टल में चलते हैं. एम्पलीफाई की फुल फॉर्म है ये, पीसीएस वाले और एचसीएस वाले याद कर लें इसको, स्टैंड्स फॉर, और खासकर हिमाचल वाले
असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। ठीक है जी, दैट इज इनफ, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पोर्टल और आप वो याद रखना साथ में, मिनिस्ट्री। ठीक है जी, तो रिसेंटली शी डाइड एंड शी वॉज द फर्स्ट, आपका इसमें लिखा हुआ है बच्चे देखें, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इन एशिया, राइट? और कब भी अपॉइंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट में? इन 1989, राइट? कुछ कुछ मैंने आपको फैक्ट पॉइंट्स दिए हैं बच्चे, आप अगर आप चेक करेंगे इसके अंदर, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट, राइट? तो यूपीएससी की टेंडेंसी रही है ना कि वो इस टाइप के सवाल पूछ लेते हैं, खासकर जब इस टाइप की पर्सनैलिटी न्यूज में आती है। लास्ट टाइम उन्होंने लास्ट ईयर पूछा था उन्होंने, उसके ऊपर भारत रत्न के ऊपर कोई सवाल आ गया था कि कब कब दिया जाता है, कब नहीं दिया गया, इस टाइप के सवाल उठ जाते हैं वहाँ पे। तो क्योंकि वुमेन इन सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, राइट, तो हमको करंट स्टेटस देखना पड़ेगा, बाकी सारा भी ओवरऑल भी इसके ऊपर से सवाल आ सकते हैं। देखते हैं बच्चे, सिंस 1989, क्योंकि 1989 फर्स्ट था, सिंस 1989 ओनली 10 वीमेन हैव मेड इट टू द सुप्रीम कोर्ट, करंटली देर आर ओनली 3 फीमेल जजेस ऑफ द 33 सुप्रीम कोर्ट जजेस। तीनों के नाम आपको दे दिए मैंने, राइट? तीन नाम है तो क्या सवाल बनेगा? हाँ, चौथा नाम डाल देंगे और बोलेंगे कौन नहीं है, राइट? तो जब तीन चीजें आती है तो आपको तीनों याद करनी जरूरी हो जाती है। याद कर लेना इसको प्लीज। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कभी कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बना है, नो फीमेल हैज बिकम द चीफ जस्टिस, राइट? वन इज इन लाइन, नेक्स्ट के अंदर वो भी गिवन है, वो भी देख लीजिए आप। इसका लास्ट पॉइंट आप देखेंगे वहां पे परसेंटेज वाइज भी आपको गिवन है, मतलब हालांकि ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है परसेंटेज वाइज, बच्चे यहां पे सुप्रीम कोर्ट का गिवन है। मैं आपको ना हाई कोर्ट का भी बता देता हूं, थोड़ा हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स का भी साथ ही लिख लेते हैं, इसी के नीचे लिख लेना आप। इस वाले को हम थोड़ा सा आराम से करेंगे इस टॉपिक को ना, क्यों ये टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड फीमेल जजेस, क्यों हम मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को हम जुडिशरी पे क्यों लेके जा रहे हैं, व्हाई आर वी स्टडिंग इट, है ना? तो उस एंगल पे जाएंगे थोड़ा सा कि क्या उससे फायदा है और क्या पंगा चल रहा है ना, इससे क्या नुकसान है, ये सब के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले आप थोड़ा सा डेटा लिख लीजिए बच्चे, इन हाई कोर्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन जजेस इज 11.5%, कॉमा 15% एडवोकेट्स रजिस्टर्ड आर वुमेन, नेक्स्ट इज 35% ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट जजेस आर वुमेन, क्योंकि वहां पे आने के लिए एग्जाम होता है, ऊपर कॉलेजियम सिस्टम है,
और कोलेजियम सिस्टम में ना एक बड़ी इनहेरिटेड प्रॉब्लम है, फॉर दैट मैटर किसी भी कोई भी सिस्टम जहाँ पे कोई ग्रुप किसी और ग्रुप को सिलेक्ट करता है ना किसी को, तो वहां पे ना यू नीड अ लॉबी, लॉबिंग समझते हो? हाँ, आपको एक लॉबी चाहिए होती है। और मतलब पर्सनली स्पीकिंग मेरे को ऐसा लगता है कि एक शांत इंसान के लिए लॉबी क्रिएट करना मुश्किल होता है, इट्स डिफिकल्ट, है ना। लॉबिंग एक आसान टास्क नहीं है, आपको बहुत सारे लोगों को खुश करना पड़ता है, और आप लोग बखूबी समझ सकते हो कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, है ना, कोई ना कोई एक आधा उखड़ा हुआ रहता ही है। तो लॉबिंग इज अ पेन स्टेकिंग प्रोसेस, तो अवॉइड करते हैं। आइए बच्चे, क्या लिखा है हमने, 35%। हाँ, इसी का अगर आपने फैक्ट लिखना है ना साथ में लिख लीजिए, गोवा, ये हम सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, गोवा 70% वुमेन, ये हाईएस्ट है गोवा में। मेघालय 62.7%, ये भी आपके मतलब छोटे मोटे एग्जाम में आ सकते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज वुमेन जजेस सबऑर्डिनेट में कहाँ है। नेक्स्ट इज तेलंगाना 52.8, सिक्किम 52.4, तेलंगाना। हाँ जी बच्चे, मेघालय 62.7%, तेलंगाना 52.8%, सिक्किम 52.4%, टॉप फोर हो गए। बस अब दोबारा आपको ये डाटा उठाने की जरूरत नहीं है कभी, मतलब कहीं और से ये रिवाइज करना है। हाँ जी, पहले क्या डिस्कस करोगे कि रीजंस फॉर लो वुमेन रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करना चाहोगे, या फिर आप डिस्कस करना चाहोगे सिग्निफिकेंस ऑफ हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन? किस चीज के रीजंस? लो वुमेन, आ जाओ बता दो फिर रीजंस फॉर, और लिख भी लेना साथ साथ ना, रीजंस फॉर लो वुमेन रिप्रेजेंटेशन। तो किस पे कमेंट करेंगे हम? लॉबी उसकी एक्सप्लेनेशन है उस पर्टिकुलर पॉइंट की। ओ, दो दूसरा पॉइंट है ये। ठीक है, ठीक है, नहीं, कोलिजियम इज नॉट एन ऑल मेल बॉडी, इट हैपन्स टू बी बिकॉज, हाँ, वैसे तो देखा जाए इसका एक लॉजिकल कारण भी है। हमने एडवोकेट्स कितने परसेंट लिखे हैं? हाँ, तो आपके पास सिलेक्ट करने के लिए पूल ही कम है ना, एडवोकेट्स बनने पे तो कोई रोक नहीं है, वहां तो नहीं चाहिए आपको कोलिजियम, लॉबिंग और ये सब, आपके पास पूल ही कम हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी पेट्रियार्की वर्ड आता है ना, उसमें थोड़ा सा विक्टिम एंगल कम रखना। हाँ जी, और बताओ, इधर से बताओ कुछ। हम कर रहे हैं बात रीजंस फॉर लो वुमेन रिप्रेजेंटेशन, है ना, आपके जुडिशरी के अंदर टॉपिक ये चल रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, पहले सीधे वाले पे आ जाते हैं, नंबर वन वही लिख लो आप, ये तो आप खुद ही सोच सकते हो, नो वुमेन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन नहीं है जी उधर, इसलिए लो वुमेन है, जहां जहां पे वुमेन बढ़ रही है वहां वहां पे रिजर्वेशन था। कई स्टेट्स के अंदर, लोअर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर आपको रिजर्वेशन देखने को मिलती है, हायर कोर्ट्स के अंदर नहीं है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिजर्वेशन नहीं है,
तो इसीलिए आपको कुछ स्टेट्स के अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन देखने को ज्यादा मिलती है, उन्हीं के बाद में ऊपर जाएंगे ना। जैसे असम में है, आंध्र प्रदेश में है वुमेन रिजर्वेशन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर, उड़ीसा, राजस्थान, इन सब में है। और एक्सेस टू एजुकेशन डाइसी पॉइंट है। हाँ तो आप कह रहे हो कि अभी अभी के अभी इम्पिटस आया तो ये थोड़े टाइम में इसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। कहाँ पढ़े हो आप? NLU's में डेटा कुछ और कहता है। एक पेट्रियार्की लिख लें क्या? वो एक ने गर्दन हिलाई है, उसने बोला नहीं। क्यों नहीं? हाँ जी, कैसे कैसे मतलब? हाँ अच्छा बच्चे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपके क्लास में आके आपको ये चीज़ बताई थी, डोंट से व्हाट इज राइट टू से, जो तुम्हें लगता है वो कहो। कैन वी से ओपेक कोलिजियम सिस्टम, फिर एग्री करोगे? है ना, कोलिजियम सिस्टम ओपेक है, लिख लो ओपेक कोलिजियम सिस्टम। कैसे मतलब? हाँ तो नुकसान ही है उसका भी। पर वो ट्रो भी है यार, वो ट्रो भी है, मतलब तो डरना नहीं है उससे भी लिखने से। मैं सिर्फ इनको जब मैंने ये बोला ना कि आपने विक्टिम मेंटालिटी से नहीं सोचना, वो इनके लिए पर्सनल था कि आप सीधा उंगली करके बोल दोगे कि तू गलत है, मैं उसको अवॉइड करना चाह रहा हूँ, है ना, कि तेरी वजह से मेरी ये दुर्दशा हुई है, वो विक्टिम उसको अवॉइड करना चाह रहा हूँ। लेकिन जो बात है वो तो है यार, आपके पास में ऑब्वियसली अपनी सिस्टर से ज़्यादा फ्रीडम रही होगी, दिस इज़ अ फैक्ट। और आप मतलब हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, आप लोग जिन फैमिली से आते हो, टॉप स्टेटा में है एजुकेशन वाइज भी, दे आर मतलब अंडरस्टैंडिंग इनफ कि तुमने तुमको वो तुम्हें वो करने दे रहे हैं जो तुम यहाँ कर रहे हो बैठ के, प्राइम ऑफ योर लाइफ में, पीक अर्निंग एजेस में, जब आप जो चीज़ कर रहे हो, राइट। लिखो इसको, ओपेक कोलिजियम सिस्टम इज अ पॉइंट, क्योंकि इफ मोर वीमेन आर टेंडिंग टू एंटर लोअर जुडिशरी, क्योंकि रिजर्वेशन है और सब कुछ है उधर, ऊपर नहीं पहुंच पा रहे, दैट मीन्स कोलिजियम सिस्टम ओपेक है। एक ना टर्म है, उसको बोलते हैं ओल्ड बॉयज क्लब मेंटेलिटी टर्म है, तो वो यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम में काम आता है, वो लॉबिंग रूबिंग वाले पॉइंट इधर को जाते हैं। लिख लो अगर ये तुम्हारे लिए टर्म नहीं है तो आप मेंशन कर सकते हो। हाँ कौन बचे, आपके वैलिड पॉइंट है ये, जब दूसरे डिस्कशन करेंगे उसमें मैं मेंशन करता हूँ, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये। ओल्ड बॉयज क्लब मेंटेलिटी मेक्स इट हार्डर फॉर वुमेन टू लॉबी फॉर जुडिशियल पोस्ट्स। बहुत डाइसी सा रहता है ये इस टाइप का टॉपिक ना, इमोशनल नहीं होना बस इस पे, प्रोस्टिट्यूशन वाले टॉपिक्स पे, फीमेल फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ये वो, जिस जैसे ही आप इमोशनल हुए आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा लाइफ में इमोशनल नहीं होना है, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग, देखो आप किस कैपेसिटी में आपसे बात हो रही है, राइट। तो वहाँ हमने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना है और आपने सोल्यूशन दे देने हैं।
जैसे फर्क होता है ना, जब आपके दोस्त का ब्रेकअप हुआ होता है तो आप उसको जो बातें समझाते हो, लेकिन जब आप पे बीत रही होती है आपको नहीं वो याद रहती बातें। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके दोस्त का हुआ है जी, आप ऑब्जेक्टिवली बताओ मुझे कैसे कैसे है ना? दो तीन बार एग्जांपल आ गया आज, बच के रहना, अगर किसी का चल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखो, टेक इट एज अ साइन एंड मूव ऑन विद एजुकेशन विद रिवीजन। उसको मतलब ऐसी मेरे चक्कर में किसी का वो मत कर देना तुम। आओ बच्चे आगे लिखते, पेट्रियार्की, जब हम पेट्रियार्की की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना तो लेट थोड़ा सा उसको ना टोन डाउन करते हैं, लेट अस राइट पेट्रियार्की इन सोसाइटी, मतलब थोड़ा सा टचअप हो जाता है पेट्रियार्की को एविल दिखाने के बजाय ना, कि पेट्रियार्की इन सोसाइटी प्रॉब्लम दे रही है इस चीज को। अदरवाइज पेट्रियार्की सोशियोलॉजी वाला स्टूडेंट वो पेट्रियार्की को फंक्शनल भी डिफाइन कर देगा एट सम प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल माइनिंग, फॉर एग्जाम्पल ऑयल रिग्स, राइट, जहां पे आपको फिजिकल काम करना है, आपके बॉर्डर फोर्सेस, जहां पे आपको फिजिकल, ऑब्वियसली फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा एंड्योरेंस चाहिए, तो वहां पे नहीं आप इतना ज्यादा इमोशनल होके इस टाइप का पॉइंट दे सकते, यहां हम दे सकते हैं। और पेट्रियार्की इन सोसाइटी की हम बात करेंगे तो यहां पे जो बात हो रही है दैट इज हरासमेंट, वर्क प्लेस एनवायरमेंट कंड्यूसिव ना होना, है ना, उस एंगल पे बात हो रही है। ये लिख लो, हॉस्टाइल एटमोसफेयर, हैरेसमेंट, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, लिखो लिखो, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। हमने नो वुमेन रिजर्वेशन लिख लिया, ओपेक कॉलेजियम सिस्टम लिख लिया, हमने पेट्रियार्की इन सोसाइटी लिख लिया, और क्या हो सकता है? अब थोड़ा सा पर्सनल एंगल पे आ जाओ कि वुमेन क्यों नहीं जा रही है, Why are they not doing it? ये तो हो गया कि मतलब सोसाइटी क्यों enable नहीं कर रही है। हाँ जी, तो अभी अभी क्या चल रहा है, अभी क्यों नहीं हो रहा है? तो प्रॉब्लम डिस्कस करो ना पहले, रीजंस। क्यों जाते थे पहले भी? हाँ, टीचिंग में उसमें क्यों जा रहे थे पहले भी? हाँ, ईज है तो किस किस चीज के लिए टाइम अपना छुटकारा चाह रहे थे वो? आप एक इजी जॉब चाह रहे हो जिसमें टाइम कम लगे, तो बचा हुआ टाइम कहाँ लगाना चाह रहे हो आप? आप ताश तो नहीं खेलते थे? यस, दिस इज, और ये आज भी सेम ही है, आपके लोकेलिटी में बेटर हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है बच्चे, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो लिख लो इसको, अच्छा पॉइंट हाईलाइट हुआ है, बीच में आपने सही बोल दिया था। इसको हम बोलते हैं फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क लाइफ बैलेंस। अरे लाइफ ही नहीं जीने दे रहे ना, वर्क ही नहीं करने दे रहे हैं, वर्क और लाइफ बैलेंस तब होगा, मतलब उसके लिए वर्क और लाइफ कौन जरूरी है? अरमान थोड़ा सा बड़ा हो जा, फिर तेरे को मतलब कुछ कुछ रियलिटीज हिट होंगी। यही स्टेटमेंट को मतलब इट विल मीन डिफरेंट टू यू, आपकी ही स्टेटमेंट विल मीन डिफरेंट टू यू ओनली, समझे? जैसे बचपन में कहते ना मैं बाहर जा रहा हूँ, और अब जब बोलते घर वालों को मैं बाहर जा रहा हूँ, कितना तो जमीन आसमान का फर्क आ गया उसमें। चलिए, ये जब तुम चोट चोट खा के लड़खड़ाते हुए वापस आते थे बचपन में, और अब जब लड़खड़ाते हुए वापस आते हो घर में, फर्क है ना, लड़खड़ाना इज सेम। ऐसे फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट मिस कर रहे हो आप, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है वो।
मैंने आपको बातों बातों में कहा भी था कि बाकी जगह पे वीमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है क्योंकि हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं, इसमें एफर्ट ही नहीं है। मैं देर मतलब अगर पॉलिटिकल विल तो आपने नैरो डाउन कर दिया, मैं कहूँ जुडिशियल विल भी नहीं है, राइट? बहुत सारे विल्स बीच, मतलब पॉइंट यहाँ पे ये बनेगा, नो सीरियस एफर्ट, को हुआ ही नहीं है सीरियस एफर्ट इस डायरेक्शन के अंदर, मुद्दा उठा ही नहीं है। आपने आज से पहले सुना था ये मुद्दा ये वाला कि यार पर्टिकुलर इसके अंदर विमेन रिप्रेजेंटेशन कम है, क्यों है? ये टॉपिक नहीं है, ये मुद्दे वाला टॉपिक नहीं है। लिख लीजिए नो सीरियस अटेम्प्ट। अब अगर अगर इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा लिखना हो तो बता दोगे कि 50% पॉपुलेशन वीमेन है और 70 साल से हम इंडिपेंडेंट हैं, नो सीरियस अटेम्प्ट, तो उस तरफ जाएगा, उस तरफ को ये पॉइंट जाएगा। ठीक है बच्चे, यस जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ओपेक कोलेजियम में वैसे आ गई है बात, बट अदरवाइज भी जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ओपन नहीं है। शी इज राइट। और मतलब आई रियली डिड नॉट वॉन्ट टू गो देयर, बट अगर आप स्मॉलर कोर्ट रूम्स की बात करोगे ना, वहां पे बेसिक अमेनिटीज की भी प्रॉब्लम है। जब इस केस को मैं डिटेल में पढ़ रहा था, अलग अलग आर्टिकल्स निकाल रहा था समझने के लिए टॉपिक अपने लेवल पे कि क्या है, तो कई आर्टिकल्स मेरे को इस टाइप के मिले कि फलाना फलाना कोर्ट है वहां पे विमेन वॉशरूम ही नहीं है। आप समझ रहे हो कितनी कितनी रेस्ट रूम नहीं है। और अगर आप एक विमेन को वहां पे एम्प्लॉय करना चाहते हो, तो अगर आप फैक्ट्री के अंदर एक क्रैच सर्विस दे रहे हो, आप प्लांटेशन के अंदर क्रैच सर्विस आपने कंपल्सरी कर रखी है, आपके कोर्ट रूम्स के अंदर क्रैच सर्विस या इस टाइप की सर्विस नहीं है, राइट? तो यू हैव टू स्टार्ट विद दैट रादर देन सेइंग कि भाई सब कुछ घर बार छोड़ के आप इधर आ जाओ। रेडिकल डिसीजन लेने से अच्छा यू हैव टू फैसिलिटेट कि अच्छा ये भी है, आप ये भी संभाल लो टू बिगिन विद, राइट? तो ये भी आर्टिकल्स में निकल के आया था वहां पे। दूसरा, लॉयर्स ही नहीं है, लिटिगेशन में विमेन नहीं है, लिटिगेशन प्रोसेस में विमेन नहीं है, तो पूल आपके पास कम हो गया है, राइट? चलिए आगे चले। अब मुझे ये बता दो सिग्निफिकेंस ऑफ हाई वीमेन रिप्रेजेंटेशन। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वीमेन रिलेटेड इश्यूज, मतलब बेसिकली एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। हाँ गुड है, लिख लो इसको। नंबर वन, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। जेंडर गैप बच्चे, उसमें जुडिशरी का नहीं आता, उसमें लेजिस्लेशन का आता है। आपका रैंक नहीं इंप्रूव होएगा। हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी, तो जुडिशरी के लिए बताओ ना पहले सिग्निफिकेंस। अरमान, कभी ऐसा हुआ है, मतलब ये सबके लिए है कि आप ऐसे ग्रुप में डिस्कस कर रहे हो और एक किसी आपके विमेन फ्रेंड ने कोई ऐसा पॉइंट बताया, एक ऐसा एंगल बताया जो आपने सोचा नहीं होगा, आपके दिमाग में नहीं आया होगा, सोच के देखो जो मैं बोल रहा हूँ, होता है ऐसा और अक्सर होता है। हाँ, डाइवर्सिफाइड ओपिनियंस मींस आपकी आपका जो एंड प्रोडक्ट आएगा, आपका जो लास्ट सोल्यूशन आएगा, दैट विल बी मोर इंक्लूसिव, है ना, मोर कलर्ड और ज्यादा इम्प्लीकेशन के साथ में आएगा। तो what it means is कि अब समझना इस बात को, अगर आपका 5 लोगों का सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, उसके अंदर अगर एक विमेन है, तो डेफिनेटली उसमें एक ऐसा एक फेमिनिन परस्पेक्टिव आएगा जो कि आपके ओवरऑल जजमेंट को और बेटर कर देगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब जो आप बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपके पॉइंट को और किस एंगल से आ रहा है, मैं वो भी समझ रहा हूँ। और ये जिस एंगल से आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली उस एंगल से आते हैं, ही एक्चुअली सीज विमेन एज इक्वल। तो इसको समझ में नहीं आ रहा है ये पॉइंट को कि ये अलग से रिप्रेजेंटेशन क्यों, मतलब ये हम बात ही क्यों कर रहे हैं, ये उस एंगल पे आ रहा है। दिस इज वेयर वी वांट टू रीच, बट दिस इज नॉट वेयर वी आर। समझ रहे हो? उसके लिए कोई फर्क नहीं है किसी भी उसमें, तो इसलिए वो ये वाले पॉइंट्स बोल रहा है। अंदर की बात ये है, मगर मैं बता दूं आपको अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो। हाँ जी, लिख लो, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज लिख लिया हमने।
इसके मतलब एक लाइन लिखनी है इसमें, डाइवर्सिटी ऑन द बेंच, डाइवर्सिटी ऑन द बेंच वुड ब्रिंग इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव्स इन जजमेंट्स। Which directly means, next point लिख लीजिए, increased judicial reasoning, जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था, नए colors आ गए हैं ना उसके अंदर अब, that means we have increased judicial reasoning, समझ में आ रहे हैं ये point, ये वाला easy है? Reasoning का मतलब ये, जैसे for example ना, मेरे को किसी ने बात कही थी, वो मुझे दिमाग से निकल नहीं रही है, कहते हैं अगर एक भी counter है आपके idea का, सिंगल काउंटर भी है, दैट मींस आपका आइडिया भी प्रूडेंट नहीं है। इफ वन सिंगल रिबटल ऑफ योर आइडिया एग्जिस्ट, दैट मींस योर आइडिया इज नॉट प्रूडेंट इनफ। तभी बुल्ले शाह की इज्जत थोड़ी ज्यादा है बाकियों से। उसने एक आइडिया दिया कि बुल्ले शाह गलत आई है मुक्ति, या तो मैंने दिलों में कही दिस इज एन आइडिया, इसका रिबटल ही नहीं है। आप दोगे इसी बात से दोबारा इसका रिबटल आ जाएगा, ये अल्टीमेट ट्रूथ है। इसको सोशियोलॉजी में एक स्पेंसर आई थिंक उन्होंने ट्रू स्पिरिट बोला हुआ है। You give thesis, उसकी antithesis, then a synthesis comes, then the synthesis becomes a new thesis, then antithesis. Ultimately, एक ऐसा ऐसी synthesis निकलेगा जिसका कोई भी antithesis नहीं है, that will be called a true spirit, कि ये बिल्कुल सच है जी बात, ठीक है? तो आपकी increased judicial reasoning, समझ में आया ये point? Last point लिख लेते हैं, फिर आपकी class है इसके बाद में, ठीक है? फिर 5-10 मिनट की break ले लेना है ना? क्या होगा एक और सिग्निफिकेंस क्या होगा इसमें? परफेक्ट, समझ में आया क्या बोल रहे हैं ये? आसान भाषा में बताऊं तो ये कहना चाह रही हैं, इट विल वी कैन से दैट इट विल मोटिवेट मोर वुमेन टू सीक जस्टिस। इफ यू हैव अ वुमेन जज, if you have more representation और आपके judgement के अंदर भी women perspective अब आ रहा है ज़्यादा, right? It will motivate women to seek justice. यही लिख लो आप as it is. Motivates more women to seek justice. कोई disagree करता है इससे? ठीक है जी। हाँ, कोमल ने यहाँ पे दो पॉइंट्स लिखे थे, विच इज वुमेन बीइंग द पार्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जुडिशरी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, वही पर्सपेक्टिव वाली बात होगी, ओपिनियंस और कलर्स और उस वाली बात होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग। बच्चे ये ज्यूरिसडिक्शन वर्ड गलत है यहाँ पे थोड़ा सा, इसको आप कुछ और कहना चाह रहे हो, जजमेंट बोलना चाह रहे हो आप। ज्यूरिसडिक्शन को होता है कि मेरा इफेक्ट कहाँ कहाँ तक रहेगा, मेरी पहुँच कहाँ तक है, मेरी ज्यूरिसडिक्शन वो होगी। थोड़ा सा करेक्ट कीजिए इसको, और आपके आप लोगों के आंसर्स को मैं देता हूँ नेक्स्ट टाइम। ठीक है बच्चे, ये पेपर आप नेक्स्ट टाइम भी लेके आना, इसके कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, सारे नहीं करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। ये CMEC करना जरूरी है, टॉपिक नंबर 12 और टॉपिक नंबर 13 ये आप अपने लेवल पे कर लेना। टॉपिक नंबर 12 में देयर इज अ डेटा पॉइंट जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड कर देता हूँ इनिशियली, पहले 10-15 मिनट हम इस पे लगाएंगे। ठीक है जी, कोमल, दीपांशु और तान्या, आपका नाम मैंने लिख लिया है, आपको मैं भेजता हूँ इसको। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं मतलब आज रात का मतलब वो 12 तक नहीं है, कल सुबह तक, जब तक सूरज नहीं निकलता। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ। लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024।
इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू. नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा. क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी. नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं. दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs. जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट ताकि आपको कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है. लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट. जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट. दिस इज द त्रिशूल मॉडल. अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द कंप्लीट कोर्स. इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो. अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट. जिद से जीत तक.